वेलकम टू GGSE स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आज है 4 दिसंबर 2019, तो हम चर्चा करेंगे आज की डेट में निकल के आने वाले करंट अफेयर्स का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहा है और इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे डेली करंट अफेयर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डेट में निकल के आने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। दोस्तों, हमारा पहला करंट निकल के आ रहा है, बांग्लादेश में शुरू हुआ वैश्विक अप्रवासन फिल्म महोत्सव। बांग्लादेश में ढाका में वैश्विक अप्रवासन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रवासन और इनके अलग अलग पक्षों पर आधारित 15 फिल्में दिखाई गईं। GMFF की शुरुआत 2016 में हुई थी और इस वर्ष इसे विश्व के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जा रहा था। इस फिल्म का आयोजन प्रवासियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM और ढाका विश्वविद्यालय की फिल्म सोसाइटी ने यूरोपीय संघ के सहयोग से किया है। दोस्तों, आगे इसी करंट अफेयर में जोड़ रहे हैं, वैश्विक अप्रवासन फिल्म महोत्सव एक वैश्विक पहल है। इसका आयोजन विश्व के कई देशों में एक साथ किया जाता है, ताकि प्रवासी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा सके। आंतरिक प्रवास, जबरन प्रवास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रवासन के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जा सके। इसमें महोत्सव में गिफ्ट फ्रॉम बाबिलियन, जस्ट अनदर मेमोरी, डाइंग फॉर यूरोप, द पावर ऑफ पासपोर्ट जैसी अन्य फिल्मों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में से प्रवासियों को पीड़ा और स्थिति को दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे NTPC SSC CGL और के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है, बांग्लादेश में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेट्स का प्रमुख कौन है, तो जियोर्गी गिगोरी है। IOM संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन संस्था है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा अगला करंट अफेयर निकल के आ रहा है, नागालैंड का बहु प्रतीक्षित महोत्सव हॉर्नबिल का हुआ आरंभ। नागालैंड के नागा हेरिटेज की शामा के टर्म हॉर्नबिल महोत्सव के 20वें संस्करण की शुरुआत आधुनिकतर जीव पर संस्कृत और परंपरा के रंगीन मिश्रण के साथ हुई। इस महोत्सव का आयोजन नागालैंड सरकार द्वारा राज्य की जातीय विविधता, भव्यता में पारंपरिक और समृद्ध सांस्कृतिक विशारद को प्रदर्शित करने का एक वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम है। हॉर्नबिल महोत्सव में इस वर्ष नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न जनजातियों के सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वदेशी खेल, शहर भ्रमण, रात्रि मेला, कला प्रदर्शनी, चित्रकला फेस्ट आदि कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे IBPS SSU 2019 के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं। दोस्तों, अगला करंट अफेयर हमारा निकल के आ रहा है, काठमांडू में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत। नेपाल के काठमांडू में नवनिर्मित दशरथ स्टेडियम में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत की गई। इस समारोह में नेपाल को समृद्ध पारंपरिक विशारद को दर्शाने वाली संस्कृत विशारद की झलक पेश की गई। 10 दिनों तक चलने वाले दक्षिण एशिया के सबसे पहले खेल समारोह के दौरान 2715 एथलीटी 26 स्पर्धाओं में 319 स्वर्ण पदक सहित 1119 मेडल्स के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। भारत के 487 एथलेटिक्स हिस्सों में खेलों में हिस्सा ले रहे खेलों का समापन समारोह 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।
दोस्तों यहाँ NTPCSSC सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, वहाँ के उपाध्यक्ष नंद बहादुर पुनः, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, और वहाँ की करेंसी दोस्तों नेपाली रुपया है। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, अगले निकल के आने वाले करंट अफेयर्स। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने सीनियर चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने पंजाब के जालंधर में सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फोगाट ने जहां 55 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा की अंजू को 7-3 से हराकर पदक जीता, वहीं दूसरी ओर ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मलिक ने 62 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा की राधिका को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला करंट अफेयर आता है। सरकार ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार ने 8 बीमारियों से बचने के लिए देश भर में सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 8 रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण करना है। मिशन इंद्रधनुष में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी जैसे टीका लगाना शामिल है। साथ ही चुने गए क्षेत्र में इंसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएंजा से बचाव के टीके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष 2.0 चरण का लक्ष्य 27 राज्यों को 272 जिलों का पूर्ण टीकाकरण करना है। IMI 2.0 कार्यक्रम दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच चलाया जाएगा। दोस्तों अगला करंट अफेयर हमारा निकल के आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 नवंबर 2019 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों, कल्याण और बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटी एंड दियर लीडरशिप टेकिंग एक्शन ऑन 2013 डेवलपमेंट एजेंडा है। दोस्तों अगला हमारा करंट अफेयर निकल के आ रहा है। दिग्गज अभिनेत्री शैली मार्सिन का निधन। हॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शैली मार्सिन का हाल ही में निधन हो गया। उनका 50 साल का लंबा कैरियर रहा, जिन्होंने 1999 और 2006 तक बिल एंड ग्रेस कॉमेडी श्रृंखला के मूल नाटक साल्वाडोर की नौकरानी की यादगार भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस श्रृंखला में उन्हें अभिनय के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों अगला करंट अफेयर हमारा निकल के आ रहा है। लेफ्टिनेंट राजेश्वर ने CINCAN के कमांडर इन चीफ को संभाली जिम्मेदार। लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर ने अंडमान और निकोबार कमान के 14वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदाभार संभाला। वह भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक और उन्हें दिसंबर 1980 में आर्टिलरी रेजिमेंट एवं कमीशन किया गया था। इस नगर एवं विमान चालक लेफ्टिनेंट राजेश्वर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज नई दिल्ली तथा फिलीपींस में नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक में सक्रिय रूप से भाग लिया है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर निकल के आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश ने मनाया गया स्वदेशी विश्वास दिवस। अगला कह रहे हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोल स्वदेशी विश्वास संस्कृति सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 1 दिसंबर को स्वदेशी विश्वास दिवस मनाया। पासीघाट में धार्मिक उत्सव के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यह दिन स्थानीय जनजातियों एवं जाति पहचान को
बनाए रखने के लिए, स्वदेशी आस्था और आदिवासी परंपरा की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ LIC 2019 के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय पेमा खांडू हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय BD मिश्रा हैं। दोस्तों अगला करंट अफेयर, टोनी जोसेफ को अर्ली इंडियंस ने जीता 2019 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज। अंग्रेजी लेखक टोनी जोसेफ ने 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता है, उन्होंने 2018 में लिखी उनकी एक पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ एनेक्स्टोर एंड वेयर वी कम फ्रॉम के लिए पुरस्कृत किया गया। इस पुस्तक की स्थापना 2008 में की गई थी। इसमें एक ट्रॉफी और 2,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुस्तक 6 विषयों में किए गए अनुसंधान के जरिए दक्षिण एशिया के लोगों के बारे में बताती है, जिसमें नए DNA साक्ष्य भी शामिल हैं। तो दोस्तों चलिए अगला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। हरी मोहन बने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए अध्यक्ष। श्री हरि मोहन ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने सेवानिवृत्ति हो चुके सौरभ कुमार का स्थान लिया है। वे 1982 बैच के इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज अधिकारी हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। हरिमोहन ने अपने कैरियर में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर इंजन फैक्ट्री, अवाडी हैवी व्हीकल फैक्ट्री, अवाडी एम्यूनिशन फैक्ट्री खिड़की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलनगीर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड, OFB नई दिल्ली कार्यालय और इस्पात और खान मंत्रालय में विभिन्न पदों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों यहाँ RRB NTPC CGL के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना 1762 ईस्वी में किया गया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुख्यालय कोलकाता में तथा पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। दोस्तों अगला हमारा करंट अफेयर निकल, CAG रिपोर्ट पिछले 10 सालों में रेलवे परिचालन रहा सबसे खराब। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जारी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में परिचालन अनुपात 9.98 दर्ज किया है, जो कि पिछले 10 सालों में दर्ज किया गया सबसे खराब परिचालन अनुपात है। ऑपरेटिंग अनुपात राजस्व कमाने के लिए किए गए खर्च का ब्यौरा है। यह रेलवे के परिचालन क्षमता और वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। ऑपरेटिंग अनुपात 98.44 का मतलब है कि रेलवे ने 100 रुपये कमाने के लिए 98.44 रुपये खर्च किए हैं। दोस्तों अगला हमारा करंट अफेयर बाहर निकल के, रक्षा मंत्री CSR सम्मेलन में सशस्त्र बल फ्लैग डे समारोह में किया संबोधन। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में CSR सम्मेलन में सशस्त्र बल फ्लैग डे समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कॉरपोरेट जगत पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान करेगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने शहीद जवानों के परिवारों के लिए बने भारत के वीर कोष में खुलकर योगदान किया। भारत के वीर कोष की स्थापना कॉरपोरेट क्षेत्र की मदद से केंद्रीय सरकार पुलिस बल के शहीद सैनिक के परिवार की सहायता के लिए की गई है। दोस्तों इसके आगे करंट बना रहे हैं, कॉरपोरेट सोशल रिसेबिलिटी कॉन्वेल्स की अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है और यह जानना जनाना है
कि कॉरपोरेट क्षेत्र के पूर्वा व पुनर्वास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। CSR कॉन्क्लेव अपनी तरह की पहली पहल है जहां कॉरपोरेट और CSR प्रमुख को आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों यहां IBPS के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है, भारत के रक्षा मंत्री इस समय राजनाथ सिंह हैं।